हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन स्विंग हाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बाई साइड लिक्विडिटी स्टॉप हंट होता है। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें अपन देखने वाले हैं कि अगर मार्केट इक्वल हाई लगाता है तो उस केस में आपने क्या करना है एंड कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेकेंड अपन देखेंगे रिलेटिव हाई, अगर मार्केट रिलेटिव हाई लगाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं एंड कैसे ट्रेड आपको करना है। थर्ड अपन देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे इक्वल हाई से अप चले जाता है या रिलेटिव हाई से भी अप चले जाता है, देन उस केस में आप मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो तीनों पैटर्न है, तीनों पैटर्न्स के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। जो पैटर्न नंबर ए है, इसके मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, या कुछ भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिख देता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए जब मैं इसको पढ़ाऊँगा बताऊँगा भी आपको, तो ईजी वे में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो अपना पैटर्न्स होते हैं ये किस तरीके से काम के करते हैं एंड इनके क्या फंडामेंटल्स होते हैं। तो सारी चीज़ों को अपन वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं, तो आपने प्रॉपर तरीके से देखना है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है, सपोज़ करिए मार्केट क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ये है जहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम से चलना स्टार्ट करता है, मार्केट अप जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अप जाने के बाद मार्केट कभी भी डायरेक्ट शूट अप नहीं करता है, ना डायरेक्ट मार्केट कभी एक डायरेक्शन में जाएगा, वो हल्का सा करेक्शन करने के लिए वापस सेम डायरेक्शन में रिवर्स होता है। यानी कि अगर मार्केट बाई साइड में जा रहा है तो डेफिनेटली वो करेक्शन करने के लिए सेल साइड में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने 100 पिप्स या 50 पिप्स अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट आपको शूट अप करके दे दिए। अगर ऐसा मार्केट देता है तो वो ओनली सिर्फ न्यूज़ टाइम पे हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ये एक पॉइंट बनाया जहां पर मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया। ठीक है, सॉरी, ये मार्केट ने एक ऐसा लेवल बनाया जहां पर मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया। इस हाई को क्रिएट करने के बाद देखिए अब मार्केट यहां पर क्या करता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे करता है तो इस तरह की सिचुएशंस को कैसे आप हैंडल करेंगे। तो मार्केट का मोमेंटम कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से मार्केट का क्या होता है, मोमेंटम होता है, और इस तरीके से मोमेंट करते हुए मार्केट क्या करता है, वापस फिर डाउन आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस डाउन आने के बाद वापस मार्केट सेम डायरेक्शन में अप जाता है, मार्केट करेक्शन करता है हल्का हल्का। ठीक है, अब जो मार्केट ने सारे करेक्शन किए तो ये क्या करेगा, मार्केट अपना जो हाई है, ठीक है, जो मार्केट ने पास्ट टाइम हाई छोड़ा था अपना, तो पास्ट टाइम हाई को क्या करेगा, मार्केट लेगा एंड उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये आपका एक अलग केस हो जाएगा। अगर सपोज करिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ ये जो वाला एरिया है इसको कुछ इस तरीके से मार्केट ने क्रिएट किया एंड मार्केट ने क्या किया, इक्वल हाई लगा के वापस मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो ये वाला जो एरिया क्रिएट हुआ, यानी कि ये इक्वल हाई आपका रहेगा ये वाला पॉइंट, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इस पॉइंट से लेकर ये जो वाला एरिया पूरा आपका बनेगा, ये इक्वल हाई के तौर पे काम करेगा, जो कि आपका स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा। स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड की बात करें तो इसमें क्या होगा देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ हो रखा है, यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर आपका मार्केट इस पॉइंट तक जाने तक, ठीक है, मार्केट में सेम हाई लगाएगा, लेकिन इस बार मार्केट का जो हाई रहेगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, ना कि इक्वल रहेगा, राइट। तो मार्केट जब भी ये हाई क्रिएट करेगा तो मार्केट को यहाँ पे दो से तीन स्नेरियोज क्रिएट होंगे। पहला स्नेरियो मार्केट का ये क्रिएट होगा, ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या करेगा, हाई लगाने के बाद में यहाँ से डाउन आएगा। ठीक है, मार्केट डाउन आने के बाद क्या करेगा कि एक सिनेरियो यहाँ पे देगा कि मार्केट ने इक्वली हाई लगाया है। ठीक है, ठीक है, इक्वल हाई लगाने के बाद मार्केट क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में डाउन आता है, यानी कि मार्केट पहले अप जा रहा था लेकिन क्या करेगा, जैसे यहाँ पे सेम डायरेक्शन में क्या हुआ, डाउन आया था, कैसे आया था, इसको लेने के बाद सेम उसी तरीके से मार्केट डाउन आएगा। तो आपने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, एक ही ध्यान रखना है कि मार्केट एक तो इक्वल हाई लगाएगा तो उस केस में आपने ध्यान देना है, एंड मार्केट यहाँ पे इक्वल या रिलेटिव हाई लगाएगा इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए और बी इन दोनों में इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। बाकी अपन चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पे ये चीज़ें कैसे काम करती है। एंड थर्ड,
यहाँ पे इक्वल हाई और रिलेटिव ये दोनों ही मार्केट क्रिएट नहीं करेगा, थर्ड टाइप की सिचुएशन मार्केट क्रिएट करेगा। आपको तीनों सिनेरियोज है। अगर मार्केट आपका इक्वल में आता है तो आपने क्या करना है, इक्वल से नीचे रहता है तो क्या करना है। अब थर्ड सिनेरियो अगर इक्वल और हाई से उससे भी ऊपर मार्केट चले जाता है तो देन इस केस में आपने क्या करना रहेगा एंड किस तरीके से आप इस पैटर्न्स पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट वो है जहाँ पे मार्केट ने अपना हाई बनाया। आफ्टर दैट मार्केट हाई लगाने के बाद वापस डाउन डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करता है, अपना एरिया कवर करता है एंड वहाँ से वापस फ्यूलिंग करके बाउंस बैक होता है सेम डायरेक्शन में और इस बार क्या करता है इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। अब मार्केट ने जब ये हाई ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है ये एक लो पॉइंट इसका बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जाने के बाद वापस क्या करेगा, अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आपने कई बार देखा होगा कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं मार्केट वहाँ पे आपका एसएल हंट करके सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड ली थी। सपोज करिए आपका ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आपने एंट्री ली एंड ये वाला एसएल है, तो मार्केट क्या करेगा यहाँ पे एसएल उड़ाएगा देन इसी डायरेक्शन में शूट करेगा। तो ऐसा करने का रीज़न यही होता है कि मार्केट का वहाँ पे इक्वल हाई या रिलेटिव हाई कुछ ना कुछ पेंडिंग होता है जिसको मार्केट लेने के लिए जाता है, ठीक है। तो अब अपन सारी चीज़ों को वन बाई वन समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करेगी लाइव चार्ट पे एंड आप इस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो अब थोड़ा सा देखते हैं, कोई सा भी एक रैंडम चार्ट ले लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका केस नंबर बी यानी कि बी वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेट हुआ है, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं, रिलेटिव हाई, आप इसको बोल सकते हैं, इस पॉइंट को रिलेटिव हाई आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मार्केट यहाँ से गया सेम डायरेक्शन में अप, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जो चीज़ बाई साइड में काम करेगी वो सेम सेल साइड में, ये वाला एरिया हो गया आपका कौन सा, ये वाला हो गया स्विंग लो का एरिया, ठीक है। ये बाई साइड का था, सेम पैटर्न इधर बन रहा है, ठीक है, इसको भी मार्किंग कर देता हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे स्ट्रक्चर नंबर बी फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर बी फॉर्मेट हुआ। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर ए फॉर्मेट हुआ था यहाँ तक इस लेवल तक, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट ने स्ट्रक्चर नंबर बी फॉर्मेट कर दिया, तो यहाँ पे दोनों हुए हैं और दोनों में प्रॉपर तरीके से मार्किंग भी हुई है, ठीक है। लेकिन इस केस में स्ट्रक्चर नंबर सी फॉर्मेट हुआ है, ठीक है। सी कैसे फॉर्मेट हुआ है यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने बताया था बाई साइड के लिए मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अप जाएगा डाउन आएगा एंड इसको ब्रेक करके सेम डायरेक्शन में आएगा, तो ये वाला आपका पैटर्न था, राइट। ये आपका कुछ एरिया बन रहा था जहाँ पे मार्केट क्रिएट कर रहा था पॉइंट नंबर सी। बट अगर अपन इसी को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपके इसने क्या किया, सेल साइड की लिक्विडिटी उड़ाई, आफ्टर दैट बाई साइड में मार्केट गया। तो सेम क्या किया, मार्केट ने सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। ये सिनेरियो क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ से अप गया एंड मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये इंटरनल में था, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये आपका सेम एज वेल लिक्विडिटी लगाई यहाँ पर। अब इसको आप क्या बोलोगे, ये आपका ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, तो ये है आपका ए पॉइंट। बी पॉइंट कब होगा, अगर मार्केट कैंडल क्लोज कर देता, बट इसने कैंडल क्लोज नहीं की तो आप इसको ए मानेंगे, ठीक है। आफ्टर कैंडल क्लोज आप इसको बी कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी सी, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपका स्विंग हाई है, ठीक है, सेम एज वेल इक्वल लो है ये, ठीक है। ये आपका केस नंबर बी है, स्विंग लो एंड रिलेटिव लो, ठीक है। उसके बाद ये आपका केस नंबर ए आ जाता है,
ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका आ जाता है केस नंबर बी, ठीक है। ये है स्विंग लो रिलेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रॉपर मार्किंग वगैरह करनी है। अब ये देखिए करंट मार्केट रनिंग में, तो ये आपका आ जाता है केस नंबर ए स्विंग हाई, इस तरीके से आपने पूरे स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने हैं एंड मार्किंग वगैरह करनी है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये आपका केस नंबर, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो कैंडल क्लोज नहीं हुई, आप ऐसे कर सकते हैं नहीं, तो इसको आप ऐसे ही रखिए, ये आपका केस नंबर काम करेगा ए वाला, ठीक है। एंड यहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा बी, ये आपका हुआ केस नंबर बी। तो आज का टॉपिक जो था अपना स्विंग हाई एंड लो फॉर बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी स्टॉप हंट के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी ही पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन पे आप ये चीज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वीकली पे कैसे कर सकते हैं, डेली पे कैसे कर सकते हैं, वन आवर पे कैसे कर सकते हैं स्विंग हाई और लो मार्किंग, एंड उन पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, तब तक थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।